अगर दोस्तों आप रॉयल इनफील्ड के दीवाने हैं और आपने न्यू रॉयल इनफील्ड की बाइक लेने का मन बना लिया है तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्योंकि रॉयल इनफील्ड 2022 में एक्सपेक्टेड अपनी न्यू 4 बाइक लॉन्च कर सकती है जो कि डिफरेंट लुक और फीचर के साथ आने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में जो 4 नंबर पे बाइक है वो है रॉयल इनफील्ड हंटर 350। रॉयल इनफील्ड की नई मोटरसाइकिल हंटर 350 भी मोटिया 350 और न्यू क्लासिक 350 की तरह ही ब्रांड न्यू जे प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। इसमें क्लासिक और मोटिया वाली ही 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 20.2 bhp की पावर और 27 nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। हंटर 350 को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ लॉन्च किए जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसका एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा स्पोर्टी होगा, जिससे कि राइडर को इस रोडस्टर बाइक में भी स्पोर्टी बाइक वाली फील आएगी। अगर दोस्तों हम इस बाइक के लुक और फीचर की बात करें तो इस रेंटो नेकेड बाइक में सर्कुलर हेडलैम्प और रियर व्यू मिरर के साथ ही राउंड शेप का फ्यूल टैंक, छोटा एग्जॉस्ट और राउंड शेप के टेल लैंप और टर्न इंडिकेटर दिखेंगे। हंटर 350 को सिंगल सीट के साथ ही वायर स्पोक और अलॉय व्हील जैसे दोनों ऑप्शन में पेश किया जाएगा। हंटर 350 में कंपनी नेपर नेविगेशन की सुविधा भी दे सकती है। वहीं हंटर 350 बाइक आपको जून या जुलाई 2022 में आपके रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मिल जाने की उम्मीद है। और इसकी एक्सपेक्टेड कीमत की बात करें तो हंटर 350 को भारत में 1,70,000 से 2,00,000 रुपए तक की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। हमारे लिस्ट में जो थर्ड बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर। रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 के अगस्त 2022 में भारत में 3,00,000 से 3,50,000 रुपए की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस बाइक के बारे में कहा जा रहा है कि यह कंपनी की अब तक की सबसे पावरफुल बाइक होगी। यह क्रूज सेगमेंट की बाइक होगी। इससे पहले कंपनी ने 350 सीसी सेगमेंट में मीटियर 350 क्रूज बाइक इंडियन मार्केट में पेश की है। हाल ही की टेस्टिंग के दौरान सुपर मीटियर 650 की इमेज लीक हो गई है, जिससे कि इस बाइक के लुक, डिजाइन और संभावित फीचर के बारे में पता चला है। अगर इस बाइक के लुक और फीचर की बात करें तो इसमें क्रोम विजर के साथ सर्कुलर हेडलैम्प, स्प्लिट सीट, रियर ड्रॉप फ्रूट टैंक, डबल एग्जॉस्ट सिस्टम, राउंड टेल लाइट जैसी समेत अन्य खास बातें दिखेंगी। ओवरऑल इसका लुक प्रीमियम क्रूजर बाइक की तरह है। अगर इस बाइक के इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 648 सीसी का एयर कूल्ड पैरेलल ट्यून इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 47 bhp की पावर और 52 nm टॉर्क जनरेट कर सकेगा। यह बाइक 6 स्पीड गियरबॉक्स से लेस होगी। अपकमिंग मीटियर 650 में 19 इंच की फ्रंट व्हील और 17 इंच की रियर व्हील होगी। हमने जिस बाइक को सेकंड प्लेस में रखा है वो है रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650। रॉयल एनफील्ड भारत में इसी साल के अंत तक बिल्कुल नई शॉटगन 650 मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है। बॉबल स्टाइल की ये मोटरसाइकिल 3,00,000 रुपए कीमत पर आ सकती है। बॉबल मोटरसाइकिल के इस कॉन्सेप्ट को पहली बार EICMA में शोकेस किया गया था और अब इसका टेस्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान दिखाई दिया है। इस बाइक में 648 सीसी का पैरेलल ट्यून इंजन मिलता है, जो कि 47.6 pm की पावर और 52 nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। अगर इस बाइक के फीचर की बात करें तो इसमें टियर ड्रॉप फ्लूर टैंक, गोल्ड हेडलाइट और टेल लाइट सेटर के अलावा अगले और पिछले हिस्से में चौड़े फेडर्स दिए गए हैं। रेंडो स्टाइल की ये मोटरसाइकिल कंपनी की सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज पर बनाई गई है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मोटियार 350 से मिलता जुलता है। इस बाइक के अगले हिस्से में USD फोकस और पिछले हिस्से में ट्यून शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। हाल ही के टेस्टिंग के दौरान दिखा मॉडल दो टोन वाले अलॉय व्हील के साथ दिखा है और देखने में ये मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो की सबसे दिलचस्प बाइक में से एक है। ये मोटरसाइकिल सुपर मोटियो 650 के बाद
लॉन्च की जाएगी, जिसे भारत में इसी साल के अंत 2023 की शुरुआत तक लॉन्च होने का अनुमान है। हमने जिस बाइक को नंबर 1 में रखा है वो है रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450। एडवेंचर बाइक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि देसी टू व्हीलर कंपनी रॉयल इनफील्ड जल्दी ही अपनी पॉपुलर एडवेंचर बाइक हिमालयन को अपडेट कर इससे ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ पेश कर सकती है। जी हाँ, बीते दिन रॉयल इनफील्ड की नई बाइक की टेस्टिंग के दौरान झलक मिली है जो कि हिमालयन जैसी है। इससे पहले भी खबर आई थी कि रॉयल इनफील्ड आने वाले समय में अपनी एडवेंचर बाइक हिमालयन को 450 सीसी इंजन के साथ पेश कर सकती है, जो कि मौजूदा 411 सीसी वाले मॉडल से हल्की हो सकती है और इसका मुकाबला बजाज डोमिनार 400 और KTM एडवेंचर 390 से होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रॉयल इनफील्ड की अपकमिंग एडवेंचर बाइक हिमालयन 450 को K1 नाम के एक नए प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर बेस हिमालयन 450 पहली एडवेंचर बाइक होगी जिसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले कुछ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बाइक में 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन लगा होगा जो कि 45 BHP की पावर जनरेट कर सकेगा। इसमें 21 इंच की फ्रंट व्हील और 17 इंच की रियर व्हील हो सकती है। अगर इस बाइक के लुक और फीचर की बात करें तो ये बाइक हिमालयन 411 से काफी मिलती जुलती होगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। इसमें अलग तरह के फ्लूर ट्रंक, छोटी व्हील स्क्रीन, ट्यूबलेस टायर, स्पोक व्हील सेटर सेट, सिंगल सीट और फ्लैट हैंडल बार देखने को मिल सकता है। एक और जो खास बात नई हिमालयन 450 के बारे में सुनने को मिल रहा है वो ये है कि इसका वजन मौजूदा हिमालयन 411 से कम हो सकता है। हिमालयन 450 में ट्रिपल नेविगेशन समेत सभी जरूरी खूबियां देखने को मिल सकती हैं। इस बाइक को दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। हिमालयन 450 को भारत में 270,000 से 3,00,000 रुपए तक की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 4 अपकमिंग बाइक जो रॉयल इनफील्ड 2022 में लॉन्च कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।